भद्रपुर गांव में एक जादुई विशाल डमरू आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये डमरू अपनी जादू से कहीं भी प्रकट होता है और कहीं भी गायब होता है। आज भी ये डमरू भद्रपुर की चौपाल में अचानक प्रकट होकर लुढ़कता हुआ बस्ती में आता है। डमरू को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है कि अचानक डमरू का एक ढक्कन खुलता है, उसके पास खड़े दो आदमियों को अपने अंदर खींच लेता है और ढक्कन बंद होकर डमरू तेजी से लुढ़कने लगता है। इससे पहले कि गांव के लोग कुछ समझ पाते, डमरू लुढ़ककर बहुत दूर चला जाता है और गायब हो जाता है। ये घटना अपने आप में अद्भुत और हैरान करने वाली है। ये डमरू था या कोई बम सबको डराकर चला गया? ऐसा डमरू हमने पहली बार देखा है। ये अवश्य ही कोई जादुई डमरू होगा। तभी तो हमारे गांव के दो लोगों को उठा कर ले गया। डमरू किसी को कैसे उठाएगा? उसके अंदर जरूर कोई आदमी होगा। मुझे तो ये किसी भूत का डमरू लगता है। डमरू भूत हमारे गांव के दो लोगों को लेकर कहाँ चला गया है? हम सब तो डमरू को शुभ मानते हैं, लेकिन ये डमरू अशुभ लगता है। सभी लोग डमरू की चर्चा में उलझे रहते हैं। तभी उन्हें एक आदमी आकर बताता है कि नदी के पास दो आदमियों के कंकाल पड़े हैं। सब लोग समझ जाते हैं कि उन दोनों की हत्या डमरू ने ही की है। डमरू का तांडव रोकने के लिए गांव वाले एक अघोरी बाबा के पास जाते हैं। अघोरी बाबा तंत्र मंत्र और बलि के लिए प्रसिद्ध हैं। गांव के लोग इनके पास आने में डरते हैं। जब कभी विकट समस्या होती है, तब अघोरी बाबा को याद किया जाता है। तुम लोग मेरी तपस्या में विघ्न डालने आए हो। क्षमा करें बाबा, हम गांव वालों का जीवन संकट में है। संकट का कारण क्या है? संकट का कारण एक डमरू है बाबा। डमरू? हाँ बाबा, एक विशाल डमरू ने गांव के दो लोगों की हत्या कर दी है। डमरू में कोई आदमी था या भूत, हम नहीं जानते। एक डमरू से तुम सब डर गए हो? बाबा वो डमरू नहीं, हम सब की मौत है। आप उस डमरू से हमारी रक्षा कीजिए। अवश्य ही उस डमरू में कोई भूत होगा, लेकिन तुम लोग निश्चिंत रहो, कल हम तुम्हारे गांव आकर उस डमरू वाले का डमरू बजा देंगे। अगले दिन सुबह से ही अघोरी बाबा भद्रपुर गांव आकर बस्ती में यज्ञ आरंभ करता है। गांव के लोग उसके यज्ञ में सहयोगी बनते हैं। अघोरी बाबा अपना छोटा डमरू बजाते हुए तांडव करता है। तभी विशाल डमरू वहां प्रकट होता है और लुढ़कते हुए यज्ञ के पास आता है। गांव वाले डर कर एक तरफ हो जाते हैं। अघोरी बाबा अपना तांडव रोककर विशाल डमरू की तरफ देखता है और अपना छोटा डमरू बजाकर पूछता है, डमरू के भूत बाहर निकल, आज तेरा डमरू मैं बजाऊंगा। तभी डमरू का ढक्कन खुलता है और उससे एक भूत निकलता है। पहचान मुझे, मैं कौन हूँ? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। मैं नंदू हूँ। नंदू? कौन, वो गांव का पागल लड़का? हाँ घोरी बाबा, मैं वही पागल नंदू हूँ। तुमने जिसकी बलि दी थी और ये डमरू तुमने मेरे ही शरीर की चमड़ी से बनाया था। क्या ये वही डमरू है जिसे मैंने अपनी सिद्धि के लिए बनाया था? हाँ, बलि के नाम पर जब तुमने मेरी हत्या की थी, मैं तभी से भूत बनकर घूम रहा हूँ और ये डमरू मेरी शक्ति के अधीन है। मैंने तुम्हारी बलि नहीं दी थी, बल्कि तुम्हें मोक्ष प्रदान किया था। गाँव वालों, ये अघोरी बाबा अधर्मी है। अपनी सिद्धि के लिए मुझ जैसे बहुत से लोगों की बलि दे चुका है। मेरा इस गांव में आने का उद्देश्य अघोरी बाबा से बदला लेना है। पागल भूत, तू मुझे क्या मारेगा? मैं तेरा विनाश करूंगा। अघोरी बाबा और भूत के बीच जादुई लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर जादुई शक्ति से प्रहार करते हैं। आखिर में अघोरी बाबा हार कर वहाँ से भागने लगता है। भूत अघोरी बाबा को पकड़कर अपने विशाल डमरू में खींच लेता है।
ढक्कन बंद होता है और डमरू तेजी से लुढ़कते हुए आगे जाकर गायब हो जाता है। गांव वाले ये देखकर हैरान होते हैं। गांव वाले डमरू के भूत की कहानी सुनने के बाद हैरान होते हैं। डमरू के भूत ने अघोरी बाबा का जो हाल किया है उससे और भयभीत होते हैं। अब गांव वालों को किसी तांत्रिक पर भरोसा नहीं होता। वो आपस में इसी बात पर चर्चा करते हैं। अघोरी बाबा ने नंदू पागल के साथ बहुत गलत किया है। नंदू का भूत बनकर बदला लेना सही लगता है, लेकिन ये तो नंदू और अघोरी बाबा की आपस की लड़ाई है, इसमें हम लोग बीच में क्यों फंस गए हैं? डमरू का भूत अघोरी बाबा को अपने साथ ले गया है, अब वो उनके साथ क्या करेगा? अब ये तो डमरू का भूत ही बता सकता है भैया, हमें अघोरी बाबा की नहीं अपनी चिंता करनी चाहिए। लेकिन अपनी चिंता करे कैसे? डमरू के भूत का इलाज शिव मंदिर में ही होगा। गांव वाले डमरू के भूत से छुटकारा पाने के लिए शिव मंदिर जाते हैं और वहां से चार त्रिशूल लाकर गांव के चार रास्तों पे गाड़ देते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही गांव वाले अपनी योजना अनुसार शिव मंदिर से चार डमरू लेकर चौपाल में आते हैं और डमरू बजाने लगते हैं। डमरू की आवाज पूरे गांव में गूंजती है। तभी विशाल डमरू लुढ़कता हुआ वहां आ पहुंचता है। गांव वाले इस बार डमरू के भूत से डरते नहीं, वो अपना डमरू और तेज बजाते हैं। विशाल डमरू का ढक्कन खुलता है और भूत निकलता है। गांव वालों, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? डमरू के भूत, तुम्हारी कहानी सुनकर हमें बहुत दुख हुआ है। तुम्हारे साथ अघोरी बाबा ने धोखा किया था, तुमने उसको सजा दे दी है। अब हम गांव वालों को तुम अपने भय से मुक्त कर दो। डमरू के भूत, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें निर्भय होकर जीने दो। अघोरी बाबा को मार कर मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया है, अब मैं भी मुक्ति चाहता हूँ। तुम्हें मुक्ति किस तरह मिलेगी? मेरी मुक्ति के लिए तुम लोगों को एक काम करना होगा। वो क्या डमरू के भूत? ये विशाल डमरू ही मेरा शरीर है। अघोरी बाबा ने मुझे मार कर मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया था, मेरी आत्मा उसी दिन से भटक रही है। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा अंतिम संस्कार करें? हाँ, जैसे किसी आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं, वैसे ही मेरी चिता सजाकर मुझे अग्नि के हवाले कर दो। इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। डमरू के भूत की बात सुनकर सब लोग आपस में सलाह मशवरा करने लगते हैं। गांव वाले विशाल डमरू को शमशान में ले जाकर उसकी चिता सजाते हैं और विधिवत पूजा करके विशाल डमरू को अग्नि देते हैं, उसकी चिता जलाते हैं। विशाल डमरू चिता में जलकर राख हो जाता है और नंदू की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। गांव वाले नंदू की आत्मा को प्रणाम करते हैं।